तड़कती भड़कती और झुलसा देने वाली गर्मी से देश भर में हाहाकार मचा हुआ था। अभी मॉनसून के सीजन में बारिश ने लोगों के लिए किसी मरहम से कम काम नहीं किया, लेकिन जहां ये बारिश लोगों के लिए सुकून बनी, वहीं कई जगह पर भारी बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रही है। आए दिन पहाड़ी क्षेत्रों में हम लैंडस्लाइड के बारे में सुन रहे हैं, मैदानी इलाकों में बारिश के कारण फसलें बर्बाद होने के किस्से भी सुनाई दे रहे हैं। भारी बारिश के कारण ऐसा ही मंजर देखने को मिला जम्मू के पूंछ इलाके के नेशनल हाईवे पर, जहां भारी बारिश के कारण पूंछ के कलाई क्षेत्र में लैंडस्लाइड हुआ और पत्थर गिरने के कारण हाईवे के रास्ते जाम हो गए और आवागमन में रुकावट आ गई, जिसके चलते इस नेशनल हाईवे पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। ऐसी ही स्थिति बनी जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के गुन्ना ब्लॉक के गाँव लुडना में, जहाँ भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति बन गई। हालांकि अच्छी बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। श्रीनगर लेह राजमार्ग को भारी बारिश के कारण विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन के बाद बंद कर दिया गया था, जिसके चलते अमरनाथ यात्रा को स्थगित करना पड़ा। खराब मौसम का हवाला देते हुए यात्रा को फिलहाल स्थगित किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, बुधवार की रात भारी बारिश के कारण जम्मू क्षेत्र के रामबन जिले में भारी भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया था। अधिकारी ने कहा, सड़कों को साफ करने का काम चल रहा है और जल्द ही राजमार्ग को फिर से खोलने की उम्मीद है। इसी से जुड़ी एक खबर आई थी कि अमरनाथ में बादल फटने से 4000 यात्री फंस गए, लेकिन प्रशासन ने इस खबर को गलत करार दिया। इसी बीच मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के कुलनगुंड इलाके में बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद श्रीनगर लेह राजमार्ग को भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। कुलन में लिंक रोड से ट्रैफिक को डायवर्ट किया जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि राजमार्ग को बहाल करने के लिए पुरुषों और मशीनरी को सेवा में लाया गया है। हालांकि जब रिपोर्ट अंतिम बार दर्ज की गई थी, तब मुगल रोड पर यातायात सामान्य रूप से चल रहा था। जम्मू डिवीजन में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, और यह तस्वीरें हैं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे कठुआ जिले के हटली मोड़ की। यहां पर एक गाड़ी दिख रही है जो पानी में डूब चुकी है। स्कूल बस तक पानी में डूबी हुई है। गनीमत यह रही, यह जो बस पानी में डूबी है उसमें कोई बच्चे सवार नहीं थे। आगे आने वाले समय में बारिश कहां कहां लोगों के लिए कितनी परेशानी खड़ी कर सकती है, इसका अंदाजा साफ साफ लगाया जा सकता है। हालांकि प्रशासन और सरकार यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील कर रही है। कहना भैया, रोज कहते हैं तो प्रशासन को सुनता नहीं। कितनी देर हो गया आपको यहाँ फंसे हुए? डेढ़ दो घंटा हो गया। कोई भी आपको निकालने के लिए अभी तक आया? आए तो स्कूल वाले देख कर चले गए, गाड़ी दूसरी गाड़ी लाएंगे तभी बाहर निकालेंगे। तो क्या करेंगे, अभी कोई गाड़ी नहीं आई। पानी आ गया अंदर, देखो कितना पानी है।